बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वाराणसी में एक होटल में आधी रात को निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके अनुपस्थिति में होटल प्रबंधन ने उनका कमरा खोला और सामान निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव के निजी सहायक प्रदीप राय ने बताया है कि वो तेज प्रताप यादव के साथ शाम में 80 घाट पर घूमने गए थे। वहां से लौटने में थोड़ी देरी हो गई। रात में जब वो वापस आए तो देखा कि उनका सामान रिसेप्शन पर रखा गया था। उनके गैर हाजिरी में होटल प्रबंधन ने उनका कमरा खोला और वहां से सामान निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री तेज प्रताप यादव शुक्रवार को वाराणसी कैंट रोडवेज क्षेत्र में स्थित एक होटल के कमरा नंबर 205 में रुके थे, जबकि कमरा नंबर 206 में उनके निजी सहायक और सुरक्षा कर्मी ठहरे थे। शनिवार को मंत्री तेज प्रताप यादव शाम में गंगा घाट पर दर्शन पूजन और गंगा घाट की सैर करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सामान होटल के रिसेप्शन पर पड़ा है। उनके निजी सहायक और सुरक्षा कर्मियों का भी कमरा खाली करा दिया गया था। इस पूरे मामले में वाराणसी के सिगरा थाना अध्यक्ष राजू सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की गैर उपस्थिति में उनका कमरा खोलना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए तहरीर के आधार पर नियम के अनुसार होटल के महाप्रबंधक और अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई विशेष जानकारी दी जाएगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।